मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहाड़ के लोगों की पहली पहचान यही होती है कि वो बहुत मेहनती होते हैं। उन्हें उनके साहस, उनकी जुझारू प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। वो प्रकृति के प्रति शिकायत नहीं करते हैं, संकटों के बीच जीना सीख लेते हैं जी। लेकिन साहब, पहले की सरकारों के समय पहाड़ों के लोगों के सामर्थ्य को उनके खिलाफ ही इस्तेमाल किया गया। दशकों तक सरकारें ये सोचकर पहाड़ की उपेक्षा करती रही, वो मेहनत कश लोग हैं, पहाड़ जैसा उनका हौसला है, अरे उनकी तो ताकत इतनी है, उनको तो कुछ जरूरत नहीं, चल जाएगा। ये उनकी ताकत के साथ अन्याय था। उनकी ताकत है इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको ऐसे ही रहने दिया जाए, उनको भी तो सुविधा चाहिए। मुश्किल हालतों में पहाड़ के लोगों को मदद मिलनी चाहिए। जब सुविधाएं पहुंचाने की बात हो, जब सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो, तो पहाड़ के लोगों का नंबर सबसे बाद में आता था। इस सोच के साथ देश कैसे आगे बढ़ता? पहाड़ के लोगों के साथ हो रहे इस अन्याय को मुझे समाप्त करना ही था। इसलिए पहले जिस इलाकों को देश की सीमाओं का अंत मानकर नजरअंदाज किया जाता था, हमने वहां से समृद्धि का आरंभ मानकर काम शुरू किया है। पहले देश का आखिरी गांव जानकर जिसकी उपेक्षा की जाती थी, हमने वहां के लोगों को अपेक्षाओं पर फोकस पर करके काम करना शुरू किया है। पहले देश के विकास में जिनका योगदान को महत्व नहीं दिया जाया गया, हमने उन्हीं को साथ लेकर प्रगति के महान लक्ष्यों की ओर बढ़ने का संकल्प किया है। हमने पहाड़ की उन चुनौतियों का हल निकालने की कोशिश की है जिससे जूझने में वहां के लोगों की बड़ी ऊर्जा व्यर्थ हो जाए, वो हमें मंजूर नहीं है। हमने हर गांव तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया, जिसका बहुत बड़ा लाभ मेरे पहाड़ के भाई और बहनों को मिला। मुझे यहां गांव के सरपंच माँ एक बहन से मिलना हुआ। मैं पूछ रहा था, शौचालय बन गए? अरे बोले साहब बन गए। मैंने कहा पानी पहुंच रहा है? बोले पाइप लग रही है। इतनी चेहरे पर खुशी थी, अपने गांव में काम होने का आनंद था। उनके सरपंच महिला थी, बड़े गर्व से मुझे बता रही थी। हमने हर घर जल का अभियान चलाया, जिसकी वजह से आज उत्तराखंड के 65% से ज्यादा घरों में पाइप से पानी पहुंच चुका है। हमने हर पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का अभियान चलाया, जिसकी वजह से उत्तराखंड के कोने कोने में आज डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच रही। मैं आज देख रहा था, इनके ये भी ऑनलाइन पैसे ले रहे थे, डिजिटल फिनटेक। मैं जरा हमारे पार्लियामेंट में कुछ बुद्धिमान लोग बैठते हैं, उनको बताना चाहता हूं कि मणा आई है, मणा ये मेरे मणा में देखिए, 8वीं कक्षा भरी हुई मेरी माँ बहने डिजिटल पेमेंट ले रही है, पेटीएम ऐसा लिखा हुआ है, QR कोड लगाया है अपने माल के सामने। ये ताकत मेरे देश की, मुझे माणा गांव के लोगों के पास देख करके और गर्व हो रहा है। हमने गांवों में हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोलने का अभियान चलाया, जिसकी वजह से आज गांव के पास चिकित्सा की सुविधा पहुंच रही है। इन अभियानों का बहुत बड़ा लाभ हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को हुआ है। एक संवेदनशील सरकार, गरीबों का दुख दर्द समझने वाली सरकार कैसे काम करती है, या देश के हर कोने में लोग अनुभव कर रहे हैं। कोरोना के इस काल में जब वैक्सीन लगवाने की बारी आई, अगर पहले की सरकारें होती तो शायद अभी तक वैक्सीन यहां तक ना आता, लेकिन ये मोदी हैं। मैंने कहा कोरोना जाए उसकी ज्यादा तेजी से मुझे वैक्सीन पहाड़ों में ले जानी है, और मैं सरकार को बधाई देता हूं, मेरे उत्तराखंड और मेरे हिमाचल दो प्रदेशों ने सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम पूरा कर दिया। भाई, इस वैश्विक महामारी में लोगों को भूख मरी का शिकार ना होना पड़े, बच्चों को कुपोषण का शिकार ना होना पड़े, इसके लिए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना की वजह से उत्तराखंड के भी लाखों लोगों को मुफ्त अनाज मिला, और हमने पक्का किया किसी गरीब के घर में भी कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब घर में चूल्हा न जला हो, रोटी न पकी हो,
कोई बच्चा भूखा सोया हो वो दिन में देखना नहीं चाहता था, और हम सफलतापूर्वक कर पाए। भाइयों बहनों, कुछ समय पहले ही हमारी सरकार ने उस अवधि को और 3 महीना बढ़ा दिया है, ताकि इस त्योहारों के दिनों में हमारे गरीब परिवारों को दिक्कत न हो।